गजब विडंबना है साथियों। क्या रचित करना था, क्या रचित हो रहा है। देश देख रहा है कि छोटी छोटी बात पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर कहते थे कि एक अकेला 100 पर भारी। लेकिन आज जब भारत बंद का ऐलान पहले से किया जा चुका था, आज भारत बंद होना था, तो उस समय में विदेश का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर कहें नजरें चुराते हुए विदेश भाग रहे हैं। रक्षा मंत्री भी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और गृह मंत्री की तो क्या ही बात करें। क्रोनोलॉजी को समझिए, वो खामोश हो गए हैं। अपनी क्रोनोलॉजी दिखाते हुए खुद चुपचाप एकदम सन्नाटा खींचे हुए, किसी मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं। 140 सीटें प्राप्त करने के बाद बैसाखी के दम पर सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब डर सता रहा है। उनके जो घटक दल है वो भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो अब फैसला दिया गया है उसको समाप्त करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा के भीतर। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो भारत बंद का आज ऐलान कर दिया गया था। आज पूरे देश में भारत बंद का जो नारा जोरों शोरों से चला, उसमें जो पटना से तस्वीरें आई हैं किस तरह से वहां पर लाठियां चार्ज की गई, आप यह सीन देखिए। देखा कि किस तरह से पटना में लाठियां चार्ज की गईं, एसडीएम साहब को भी दो चार लाठियां पड़ गईं उसमें। अब लेकिन दूसरी वीडियो पर आप आइए कि भारत से अलग अलग वीडियो आई हैं, वहां पर देखे किस तरह से जो एम्बुलेंस जा रही थी उसको रास्ता दिया गया। ये जो एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता दिया गया, ये एक बहुत सुंदर तस्वीर सामने आई है किस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, भारत बंद किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है जो हमारे देश के मूल नागरिक हैं, जिनको उन चीजों की जरूरत है। आप यह वीडियो देखिए। बंद ऐलान के बाद बहुत सारे नेता जो संसद में एसी में बैठते हैं ठंडी ठंडी बोतलों से पानी पीते हैं, आज भी अपने कमरों में बैठे रहे और ठंडी हवा का मजा लेते रहे एसीओ का। लेकिन जो जनता का नेता है, जिसको जनता ने चुनकर के भेजा, एक अकेला 100 पर भारी है, वास्तव में भारी है, आज भी जमीन पर लगा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की। आज भी वह लोकसभा में चुने जाने के बाद भी जमीन पर उतरे, उसी तरह से जिस तरह से वो अपनी राजनीति को बनाने की कोशिश करते थे, जनता के सवालों को उठाने की कोशिश करते थे, आज भी वो राजनीति उनके अंदर जीवित है। आप यह वीडियो देखिए। लक्ष्मण यादव ने जो यह वीडियो साझा किया उसके साथ लिखकर के कहा है कि किसी भी सरकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संविधान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरह से आरक्षण को सीमित करने की कोशिश की जा रही है और ये जो अलग अलग तरीके से बांधने की कोशिश की जा रही है जनता को, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यह वीडियो देखिए। पार्टी अखिलेश यादव संविधान विरोधी, यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आरक्षण विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर।
बदल दो, ताज बदल दो, भारत बंद के मुद्दे पर इस सवाल पर कई सारी तस्वीरें पूरे देश से देखी होंगी, लेकिन आप यह समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते फिरते थे कि एक अकेला सौ पे भारी और धड़ाधड़ कानून पारित करते रहते थे, लेकिन जो 240 सरकार बनी हुई है और बैसाखियों पर टिकी हुई है, अब उसको भी भय सता रहा है। यह इतना आक्रामक है कि आप इस बात से समझिए कि तीन तीन कानून जो लाए गए वो पास नहीं हो पाए। चाहे सोशल मीडिया जिस पर सरकार नजर बनाए हुए, जहां पर जनता की आवाज उठाई जाती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वह भी कानून पारित नहीं हो पाया। दूसरा, आप देखिए वक्फ बोर्ड पर जो बिल अधिनियम लेकर के आए, वह भी पारित नहीं हो पाया, बल्कि जेपीसी की गठित कर दी गई और उस पर अब बात की जाएगी। तीसरी तरफ आपने देखा कि कैसे लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती करने की फिर से कोशिश की गई, 45 पदों पर 24 घंटे के अंदर फिर से उसको वापस लेना पड़ा। अब सरकार के भीतर भय आ गया है। भय किसका है? ये जनता का भय है, जो सरकार को घोड़े की जो बेबाक घोड़ा दौड़ रहा था, सरकार का तानाशाही रवैया इख्तियार कर रहा था, उस पर लगाम जनता ने खींच दी है, वो लगाम 240 की है। इस तरफ से विपक्ष को मजबूत कर दिया है कि जनता किसी भी तरह से तानाशाही रवैया इख्तियार नहीं कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहे, तो दो बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।